हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में और आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही फैंटास्टिक व्यूज। मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार। ये देखिए दोस्तों, अभी हटा हूँ बस आपकी एक आपके लिए एक वीडियो जो है एडिट कर रहा था और मुझे लग रहा है कि काफी जो है मैंने सिटिंग कर ली है, मुझे उठना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या कहते हैं, थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी। काफ़ी देर से मैं एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग में ऐसा होता है दोस्तों कि डिपेंड करता है कि आपका जो है, आपके पास जो सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, आपका सिस्टम कितनी फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है आपके वीडियो की। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिटिंग में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मेरा सिस्टम मैं कहूँगा उतना मतलब बुरा भी नहीं है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि मैं लैपटॉप पे जो एडिटिंग करता हूँ, यूजुअली लोग वीडियो एडिटिंग पीसीज जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं, बट अगर आप लैपटॉप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो बस मैं अभी हटाऊँ तो थोड़ी देर में आपको लेके चलता हूँ, बाहर घूमते हैं, हम साथ में घूमेंगे और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बढ़िया जगहें आज प्लान कर रहा हूँ मैं घूमने की और देखते हैं क्या हमें मिलता है। क्यों दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं और वॉक पे निकलते हैं और देखते हैं बड़े बड़े चीजें। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए अपने प्यारे से पेड़ के पास और आप जानते हैं कि हमारा सफर ही पेड़ों से शुरू होता है क्योंकि हम पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी पेड़ों को बहुत पसंद करते हैं। देखिए कितना सुंदर पेड़ है और ये देखिए आसमान कितना नीला है, इस तरह का फैंटेस्टिक व्यू दोस्तों किस्मत से देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं सूरज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मेसमराइजिंग है दोस्तों। इन्जॉय द व्यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए हम अपनी छोटी सी पगडंडी पे चलना शुरू कर चुके हैं और आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, देखिए इन पत्थरों से इन्होंने कितना सुंदर सा पैटर्न यहाँ पे लैंडस्केपिंग की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर अच्छे से पत्थरों का भी इस्तेमाल कर लें तो आप बहुत बढ़िया सा लैंडस्केप जो है तैयार कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए बर्फ का एक सुंदर सा ढेर। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है लेकिन ये बर्फ का ढेर अभी तक मजबूती से खड़ा है दोस्तों। ये देखिए काफी हार्ड हो चुकी है बर्फ, शायद इसी कारण जो है ये अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है और काफी ज्यादा सुंदर व्यू दे रहा था दोस्तों, तो मैंने इसको कैप्चर किया। तो आप इधर उधर देख सकते हैं, पेड़ भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और आगे वाले इस पेड़ के पास मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा क्यूट सा ग्रीन कलर का पेड़ है और बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर का दिख रहा था तो मैंने उसको भी कैप्चर किया था। ये देखिए दोस्तों और व्यू का एंजॉय लीजिए। बैठ जाते थोड़ा दोस्तों, थोड़ी देर, काफी थकान हो गई अभी तो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, है ना, जो हमने आज जगहें देखी हैं। देखिए क्या बढ़िया मौसम है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है, एकदम सुपर मौसम है आज। काफी दोस्त मेरे पूछ रहे थे मुझसे कि भाई आपने ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, अब आप ब्लॉगर भी बन गए हैं। तो दोस्तों अब ये इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे कि ब्लॉगिंग का क्या कारण है। देखिए हम लोग लाइफ में बहुत सारी जगहें देखते हैं, बहुत जगह घूमते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं और फोटो खींचते हैं, कोशिश करते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। तो एक वीडियो ब्लॉगिंग एक अच्छा माध्यम लगा मुझे क्योंकि मैं वैसे भी काफ़ी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पर डालता रहता हूँ, तो मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ चीज़ों से, इसलिए मुझे लगा कि इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए और आपके साथ शेयर करूं। मैं अपना खुद भी देख लेता हूं, मैं अपनी जो है पुरानी यादें जो हैं, जहां जो भी विज़िट किया होता प्लेसेस, और काफ़ी जो है
अच्छा लगता है दोस्तों ऐसे जब आप विजिट करते हैं तो, और उसको डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। तो एक तो कारण ये है, दूसरा ये है कि दोस्तों लाइफ छोटी है, बहुत छोटी है लाइफ। हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम ही है, वो ज़्यादा नहीं होने वाला, वो कम ही होगा बेशक। हमारे जो हैं, अगर हमारी हैबिट्स जो हैं ठीक नहीं रहीं तो वो टाइम पीरियड कम ही होने वाला है। तो उसको अच्छे से बिताने के लिए एक ये भी है कि आप अपनी मेमोरी स्टोरीज जो हैं उनको डॉक्यूमेंट कीजिए, उनको शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आगे को चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, आगे निकलते हैं, हमारा सफ़र हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सामने जो है फिर से ये पेड़ जो है हमें बुला रहे हैं अपने पास। आप देख रहे हैं कि ये डाली काफ़ी सूख गई है, इसके इनकी भी एजिंग प्रोसेस होती है ना दोस्तों, आपको पता ही है, जो आया है दुनिया में वो तो जाएगा ही जाएगा। ये देखिए बहुत ही यूनिक सा स्ट्रक्चर है, दो जो हैं सेपरेशन, बड़े बड़े इसके जो तने जो हैं आप देख रहे हैं निकले हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जब ब्रांच कट कर देते हैं तो रेजिन जो है सिक्रीट होता है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही फैंटास्टिक व्यू है। दोस्तों अब मैं जो व्यू दिखाने वाला हूँ वो देखिए कितना बढ़िया व्यू है। देखिए सूरज जो है उस डायरेक्ट जो है उस बिल्डिंग के ऊपर अपने इंप्रेशन छोड़ रहा था, और आप देख रहे हैं कि एक तरह का जो है नया सूरज हमारे पास अपोजिट साइड में दिख रहा है। बहुत ही चमकदार और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दोस्तों ये बिल्डिंग। देखिए नेचर किस किस तरह से हमें सरप्राइज कर सकता है दोस्तों, हम नहीं जानते, इसलिए हमें जो है नेचर में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते रहना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं कैंपस के बैक साइड में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया लैंडस्केपिंग कर रखी है इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों से, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो आप जो है ये आइडिया भी ले सकते हैं, अगर आपको अपने घर में डेकोरेशन करनी है आउटडोर में, तो आप ये देखिए एक पेड़ है और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पत्थरों से बहुत ही बढ़िया लैंडस्केपिंग कर रखी है दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ से कैसे टेबल माउंटेन दिख रहा है वो सामने आपको, और साइड में ये जो दीवार दिख रही है ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, जो किस तरह से इन्होंने यहाँ पे ये देखिए पत्थरों का इस्तेमाल किया है और बहुत ही यूनिक सा पैटर्न बनाया हुआ है। ये कैंपस में बिल्डिंग बहुत सुंदर दिखती है स्पेशली इन पेड़ों के साथ। तो अब ये देखिए दोस्तों ये कपड़े से बनाई हुई एक आर्ट है, आप देख रहे हैं इसमें एक घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये सारा कपड़े से ही बना हुआ है, और ये पूरी वॉल कवर कर रखी है इसने, और ये बहुत ही बड़ा है। पता नहीं मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखा पा रहा हूँ या नहीं। लीजिए दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपने वापस कमरे में, और काफी बढ़िया रहा, काफी अच्छा मौसम था आज, काफी इंजॉय किया, और उम्मीद है कि थोड़ा वजन भी कम हुआ होगा हमारा चलने से। चले दोस्तों तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, और इसी तरह आपके साथ बातें शेयर करूंगा और आपको नई नई जगह दिखाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहेंगे वीडियोस और बने रहेंगे मेरे साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों ओके, टाटा एंड बाय बाय।